अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक और एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए लाया हूँ, जो हमारे पास है आयरलैंड की गवर्नमेंट की तरफ से पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स रिसर्चर्स एम फिल स्टूडेंट्स के लिए, पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो इस स्कॉलरशिप को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में ज्वाइन कीजिए और एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना कीजिए। अच्छा, इस स्कॉलरशिप के हवाले से मैं आपको बताऊं तो 16,000 पर एनम आपको मिलेगा, 2,250 एक्स्ट्रा मिलेंगे हमें रिसर्चर्स को। ठीक है, डेडलाइन इसकी आप देख सकते हैं 31 अक्टूबर है। ठीक है, तो आपके पास पूरा एक महीना है इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने के लिए। अच्छा, इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने के लिए हमें बस अप्लाई करने को मैं दो स्टेप्स में डिवाइड कर देता हूँ। पहला स्टेप तो ये कि आप यहाँ पर आ जाइए। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूट्स वगैरह मिल जाएंगे। जैसे ये इंस्टीट्यूट, फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये भी है, तो सर्च कीजिए, कोई भी इंस्टीट्यूट पसंद कीजिए, गूगल पे जाइए, उनके स्टाफ मेंबर्स, फैकल्टी मेंबर्स को ढूंढिए। ठीक है, फैकल्टी मेंबर्स को ढूंढने के बाद आप उनसे रابطہ करें। कुछ इतना मुश्किल नहीं होता किसी भी यूनिवर्सिटी की फैकल्टी मेंबर को ढूंढने के लिए, सब ऑनलाइन होता है, आपको मिल जाता है आसानी से। आप जैसे गूगल पे देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये लिखा है, तो आपको आसानी से ये देखें आ गया स्टाफ, स्टाफ पे क्लिक कर दीजिए, आपको आसानी से आगे स्टाफ मिल जाएगा। आप स्टाफ को एक ईमेल करेंगे, प्रॉपर ईमेल करेंगे। ठीक है, और ईमेल में आप लोग उन्हें अपना रिज्यूमे सेंड करेंगे, अपना वो क्या कहते हैं रिज्यूमे वगैरह सेंड करेंगे, अपना ट्रांसक्रिप्ट सेंड करेंगे, और ट्रांसक्रिप्ट सेंड करने के बाद आप इन्हें अपना एब्स्ट्रैक्ट भी सेंड करेंगे जो आपका उसका है रिसर्च का। ये सब कुछ सेंड करने के बाद आपने एक ऑफिशियल मैनर में एक प्रॉपर तरीके से उन्हें एक ईमेल करना है। ठीक है, एक लेटर भी ईमेल करना है, जिस लेटर में आप मेंशन करेंगे अपने एकेडमिक्स अचीवमेंट्स, मोटिव्स, गोल्स, और आपको क्यों ज़रूरत है, और आप अगर आप मतलब यार एक प्रॉपर तरीका क्या होता है किसी को मतलब कोई भी टीचर आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर दे दे। एक्सेप्टेंस लेटर आपको मिल गया, फिर आप आगे फर्दर इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ आप ढूंढ लीजिए, इसमें आपको इंशाल्लाह कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अच्छा, अब इस पर अप्लाई करने का तरीका क्या है? देखें, यहाँ पर इन्होंने मतलब मैं इधर उस जगह पर चला जाता हूँ जहाँ पर आपको डायरेक्टली आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन अवार्ड एप्लीकेशन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करेंगे आप तो आपको एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। लॉग आउट करने के बाद आप क्लिक ऑन द फॉलोइंग, ओके, हम यहाँ पर रजिस्टर करते हैं। अच्छा जी, ये जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मिस्टर आ गया, यहाँ पर इसको हम लोग मेल कर देते हैं, इसको हम लोग डेट ऑफ बर्थ हमारे पास कोई भी आ जाए। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, फर्स्ट नेम में अपना नाम लिख दीजिए, यहाँ पर भी कुछ भी लिख दीजिए, ईमेल एड्रेस में ये मेंशन कर दीजिए। ठीक है, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर में आप जो भी आपका कॉन्टेक्ट नंबर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी आप कुछ भी जो भी आपका एड्रेस है वो मेंशन कर दीजिए। ठीक है, तो ये सब कुछ मेंशन करने के बाद आप अपना पोस्टल कोड भी मेंशन कर दें, कंट्री आपकी कौन सी है ये भी आप मेंशन कर दें मेरी। ठीक है, ये भी कर दीजिए, इसको सबमिट कर दीजिए। आप लोग सबमिट कर देंगे तो आप लोगों को एक ईमेल एड्रेस आएगा आपके इनबॉक्स में। ठीक है, उसको ये देखें आ चुका है, ये आपका यूज़र नेम है और ये आपका पासवर्ड है। ठीक है, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। तो ये हो गया। ठीक है जी, ये हमारा पासवर्ड आ गया। ठीक है, और वो क्या था, एच के gmail.com लॉगिन करेंगे।
ओके थोड़ा सा मिसहैप हो गया, ये कर देंगे तो आप सिंपली लॉग इन हो जाएंगे। अच्छा, लॉग इन होने के बाद आप यहाँ पर इसको ऑब्वियसली एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आप आगे चले जाएंगे। यहाँ पर आपको एक प्री एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबिलिटी क्विज होगा, ठीक है। इस क्विज को शुरू करने से पहले आप ये देखें, उस पर क्लिक कर देंगे, ओपन जो कॉल्स हैं एलिजिबिलिटी क्विज को स्टार्ट कर देंगे। कुछ ख़ास नहीं है, बहुत ही आसान है ये। इसमें मतलब जनरल से क्वेश्चंस हैं कि आपके पास डिग्री है, हाँ जी है। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, ऑल एप्लीकेंट्स मस्ट हैव टू प्रीवियस अनसक्सेसफुल, नो। ओके, आगे नीचे चले जाएंगे तो ऑल एप्लीकेंट्स मस्ट हैव टू प्रीवियस, नो। ठीक है, डू यू होल्ड और हैव प्रीवियसली हेल्ड अ काउंसिल स्कॉलरशिप, नो। ठीक है, अच्छा जी। प्रोजेक्ट टाइटल जैसे कि हमारे पास कुछ भी है, नीचे हम लोग यहाँ पर कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल साइंसेस डिसिप्लिन हम लोगों ने सेल बायोलॉजी ले ली। ये हम लोग सिर्फ आपको दिखा रहे हैं कि आपने करना क्या है। यहाँ पे अपने कीवर्ड्स मेंशन करने हैं, जो भी आपके रिसर्च के हैं, जो भी आप लोग की आउटलाइन है, एब्स्ट्रैक्ट वगैरह मेंशन कर देना है, ठीक है। ये सब कुछ करने के बाद डू यू प्रोसीड रिसर्च डील विद एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोहिबिटेड एरियाज, नो। ठीक है, ये सब कुछ कर लें हैं प्राइमरी। ये देखें, यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको का सुपरवाइज़र चाहिए होगा, तो आप जब इस साइट पे आएंगे कि आपने ये कैसे करना है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपके पास एक सुपरवाइज़र होना चाहिए। टाइटल मस्ट बी 15 करेक्टर्स लॉन्ग, ये लो भाई। ओके, हमने ये कर दिया। एब्स्ट्रैक्ट मस्ट बी एटलीस्ट 80, अच्छा सही कह रहे हैं। अभी भी नहीं हुआ, ओके। क्या चक्कर है, तो ज़्यादा ही लंबा हो गया। हाँ जी, प्राइमरी सुपरवाइजर नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। देखें यहाँ पर आप लोगों ने उसका नेम भी मेंशन कर देना, जैसे मैंने कुछ भी कर दिया, ठीक है। यस, आप ये सब कुछ ठीक कह रहे हैं, हाँ जी मैं ठीक कह रहा हूँ। अभी आपको बताएंगे कि आपने ये पास किया या नहीं। ऑब्वियसली आपने ये क्विज पास कर दिया है, ओके। तो अब आप एप्लीकेशन की तरफ चले जाइए, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आपने एप्लीकेशन की तरफ जाकर एप्लीकेशन कैसे सबमिट करानी है। ये सब कुछ आप सुपरवाइज़र के बाद की बातें हैं, ठीक है। सुपरवाइज़र पहले आपने ढूंढना है। प्लीज़ सेलेक्ट अप्रोप्रिएट स्कॉलरशिप, आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइटल, आपने अपना रिसर्च के प्रोजेक्ट टाइटल के बारे में बताना है, अपनी यूनिवर्सिटी बतानी है कि भाई किस यूनिवर्सिटी में आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपने सेलेक्ट किए, जहाँ से भी आपको रिस्पांस आया है या आपको वो सुपरवाइजिंग लेटर मिल चुका है, ठीक है। तो एप्लीकेशन इन आयरिश, ठीक है, यस नो कर दें, ऑब्वियसली नो। अच्छा, और सी आई डी आइडेंटिफायर कोई ख़ास नहीं है। अभी आप कहेंगे ये क्या होता है, ये ऐसा सीन है भाई कि ये मैं यहाँ से ये वेबसाइट पे आप आ जाएं, तो ये देखिए मैं लॉग इन हुआ हूँ, मैं यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ। अच्छा, ये देखें वो जो आइडेंटिफायर है ना, वो ये आइडेंटिफायर है, ठीक है। इसको आपने कॉपी करना है। मैं लॉग आउट करके बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर आया कैसे हूँ। आप सिंपली क्लिक करेंगे, जब आप इधर क्लिक करेंगे, ये देखें इधर, तो अच्छा इस तरह करते हैं कि मैं ये जो लिंक है, ये लिंक ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
ठीक है, यहाँ पर आपने आना है, कोई भी ख़ास चक्कर नहीं है, तीन स्टेप्स में आसानी से आप रजिस्टर हो जाते हैं। ठीक है, तीन स्टेप्स में आप आसानी से रजिस्टर हो जाते हैं, अपनी डिटेल्स देते हैं, डिटेल्स वगैरह देने के बाद आप ये देखें इन्होंने लिखा हुआ है रजिस्टर, इन्फो एंटर करनी है और सिंपली आपको आपका वो मिल जाता है। आपने वहाँ पर अपनी वो मेंशन भी करनी है, डिटेल्स वगैरह भी मेंशन करनी है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जिस गवर्नमेंट के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने ये दिया हुआ है, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपकी सारी डिटेल्स, आपका सारा बायोडाटा उन्हें ऑनलाइन एक्सेसिबल होता है विद द सिंपल की, विद द सिंपल आईडी। तो आपने वो सारा डेटा भी वहाँ पर मेंशन करना है, कुछ ख़ास नहीं है उसमें। ठीक है, अच्छा तो वो जब तक लोड होता है मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसे हुआ है। ये देखें यहाँ पर आ गया, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। ये देखें एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशनल, इन्वाइटेड, पोजिशन, मेम्बरशिप, फंडिंग, ये सब कुछ आपने फुलफ़िल करना है। फुलफ़िल करने के बाद से पहले ही देखें उन्होंने आपको दिया हुआ है, लेकिन आप करेंगे इसको करना है। व्हाट इज़ योर नेशनैलिटी, नेशनैलिटी वगैरह आप दे दें। ठीक है, और आप किधर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन है, इस पर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता और नीचे आ जाता हूँ। ठीक है, ट्रैक रिकॉर्ड, ठीक है, हमारे पास ये आ गया। ओके, ये आपने कर लिया। ठीक है, अभी अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में बताना है, आपने कहाँ से पढ़ा है, कब ग्रेजुएट हुए हैं, किस किस्म की क्वालिफिकेशन है, फाइनल ग्रेड क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, कुछ इंटर करना चाहते हैं तो वो इंटर कर दें, कोई बैचलर्स की, मास्टर्स की डिग्रीज के अलावा है तो वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, ये आपका दूसरा फॉर्म भी सबमिट हो गया, अच्छा मतलब कंप्लीट हो गया। रिसर्च अचीवमेंट भी, अच्छा आपने बताना है कि आपकी रिसर्च में एक्सपीरियंस क्या है, आपने क्या अचीव किया है। ठीक है, और ये देखें ये जो क्वेश्चन इन्होंने लिखा है ना, इस क्वेश्चन को आपने पूरे तरीके से पढ़ना है और आराम से एक एक चीज़ का जवाब देना है। अपने एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताना है, कहाँ पर काम किया, वॉलंटरी वर्क कहाँ पर किया है, ये सब कुछ आपने बताना है। पर्सनल स्टेटमेंट, पर्सनल स्टेटमेंट जब हम लोग जनरली पर्सनल स्टेटमेंट की बात करते हैं दैट इज़ समथिंग एल्स, बट यहाँ पर आपने, आपसे देखें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन क्वेश्चंस के आपने बड़े आराम से, तहम्मुल से, तसल्ली से, एक खूबसूरत पॉजिटिव अंदाज में आपने इन सारे क्वेश्चंस के जवाब दे देने हैं। ठीक है, जवाब दे दें। अच्छा, फिर यहाँ पर ट्रेनिंग एंड करियर डेवलपमेंट प्लान, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, करियर प्लान क्या है, आगे कहाँ जाना चाहते हैं, आगे अपने आप को कैसे देख रहे हैं, ये सब कुछ ये देखेंगे, जो तीन सवाल इन्होंने दिए हैं, इन तीन सवालों के जवाब भी आपने यहाँ पर दे देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग बात करें प्रपोज रिसर्च की, तो विल यू बी अ न्यू एंट्रेंट, ठीक है, यहाँ पर कर दीजिए। देखिए सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं, कुछ भी इसमें ख़ास नहीं है, ये सब कुछ आप कंप्लीट कर दें। ठीक है, अपने प्रोजेक्ट का टाइटल जो भी आपने वहाँ पर पहले मेंशन किए, प्रोजेक्ट का एरिया जो मेंशन किए, ये सब कुछ कर दें। ठीक है, प्रोवाइडर लिए एब्स्ट्रैक्ट, अपना रिसर्च का एब्स्ट्रैक्ट वगैरह मेंशन कर दें, डिटेल्स वगैरह प्रोजेक्ट की बता दें, ये मतलब सिंपल इंग्लिश है। अब मैं इनको, अब मैं इनके आंसर्स वगैरह तो आपको नहीं मतलब यहाँ पर लिख कर दे सकता, ये तो आपने अपने खुद अपने दिमाग से ही यहाँ पर लिखने हैं, हम लोग सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, बता कर सकते हैं ए टू जेड प्रोसीजर कहाँ कैसे शुरू होगा और कहाँ पर ख़त्म होगा। तो ये कुछ सवाल हैं, इन सवालों के आपने जवाब देने हैं। ठीक है, और मतलब इतने कोई ख़ास नहीं है। अब देखें जैसे डज योर रिसर्च इन्वॉल्व एनी ऑफ दैट इथिकल इश्यूज ऑफ स्पेशल रेलेवेंस, ऑब्वियसली नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये सारे आप सवालों के जवाब दे दें तो फिर आप आगे जा सकते हैं, डिक्लेयर कर देने हैं टिक टिक टिक, और यहाँ पर आपने फर्दर फाइनली इसको सबमिट कर देना। ठीक है, यहाँ पर आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आपकी ये सबमिट हो गई है। ठीक है, अच्छा तो अभी मैं आपको इसके बारे में एक और चीज़ बताता चलूँ कि आप क्या कहते हैं, यहाँ पर एक सेकंड जी, तो ये यहाँ पर आ जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट पे आ जाते हैं। ठीक है, ये है हमारी स्कॉलरशिप। ठीक है,
जो अभी ओपन है. अच्छा, ये लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया है, ये भी एक्सप्लेन कर दिया है. अब बात आ जाती है यहाँ पे, ये इन्होंने अपने तरीके से बताया हुआ है कि क्या सीन है, क्या चक्कर है, हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ मतलब इंट्रोडक्शन टाइप है. अच्छा जी, फॉर्म्स की बात की जाए तो ये रहा एप्लीकेंट फॉर्म, ठीक है. ये सुपरवाइज़र फॉर्म, रेफरी फॉर्म, आपका इन फॉर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ गाइडेंस के लिए है. एप्लीकेशन गाइडलाइन, इसके अलावा आप ये गाइड फॉर एप्लीकेशन जो है इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, और फर्दर ये भी आपको काफ़ी हर एक चीज़ के आसानी से सवाल के जवाब दे सकती है. फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस. अच्छा, जो मैंने आपको यहाँ पर ये सब कुछ एक्सप्लेन किया है, ये देखें, ये सब कुछ मैंने जो ए टू जेड आपको एक्सप्लेन किया है, प्रपोज, रिसर्च, ये सब कुछ, इसका आपको यहाँ पर ये सैंपल मिलता है, ठीक है. इस पे आपने काम वहाँ से ही करना है, लेकिन ये सैंपल है, ठीक है. इसको आप पहले पढ़िए, स्टडी कीजिए, अपनी सारी रिसर्च कंप्लीट कीजिए, सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, ठीक है. और वो सब कुछ देने के बाद आप फिर एक्चुअली जाइए उधर, वहाँ पर मतलब पहले तो आप रिसर्च सुपरवाइज़र ढूंढिए, और ढूंढने के बाद आप फिर इधर आए, यहाँ पर इसको पढ़िए, ये कंप्लीट कीजिए. जिस दिन मतलब कंप्लीट कैसे कीजिए कि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन इसकी आ गई है, आपने पढ़ ली है, ठीक है. उसके बाद आप फिर आएंगे इधर, और इधर आएंगे, और फिर इधर आने के बाद आप लोग यहाँ पर एक एक चीज़ को प्रॉपरली कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट करने के बाद आप लोग इसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है. अच्छा, ये देखें पर्सनल स्टेटमेंट. अब वाई डू यू विश टू परसू अ हायर डिग्री बाय रिसर्च, ये आ गए हम लोग पर्सनल स्टेटमेंट में. Why do you wish to pursue a higher degree research? तो यहाँ पर ये इन्होंने प्रैक्टिस के लिए ही दिया हुआ है कि आप लोग पहले पढ़ लें, पहले देख लें, पहले ये सब कुछ कंप्लीट कर लें. आपको जी पता चल गया है कि ये अब कंप्लीट हो गया, ठीक है. तो फिर आप लोग आगे फर्दर यहाँ पर आएँ, इस पर क्लिक करें, अपने आप को रजिस्टर करें, और ये सारे इनके सवालों के जवाब बाद दें, तो आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकेंगे. इसके अलावा जो और फॉर्म्स हैं, सुपरवाइज़र का फॉर्म, रेफरी का फॉर्म, इसका कोई चक्कर नहीं है. आप जब सुपरवाइज़र ढूंढ लेंगे, सुपरवाइज़र आपको मिल जाएगा, वो एग्री कर देगा, तो आप जब सुपरवाइज़र का नाम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस सब कुछ उसे मेंशन करेंगे, तो ये फॉर्म है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ये फॉर्म उधर जाएगा, वो उधर से ऑनलाइन इसको फुलफिल करके भेजेगा. आपके रेफरेंस को भी इसी तरह यहाँ से फॉर्म जाएगा, और वो इसको फिल करके भेजेगा. इसके अलावा आपका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है. इसके अलावा अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो या कुछ भी आप पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शंस में हमसे पूछ सकते हैं. और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको लाइक कीजिए, और चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. अल्लाह हाफिज़.